हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो सब लोग? चैनल देख रहे हो सब? सेपर्स एजुकेशन का मैक्स के वीडियोस तुम्हारे लिए मैंने अपलोड किए थे, आइडेंटिटीज किया था अपने लास्ट वीडियो के अंदर। आज मैं रिमेनिंग आइडेंटिटीज करवाने वाला हूँ। जो रिमेनिंग 4 आइडेंटिटीज है वो अपने आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सबको आया वो समझ में? नोटबुक पेन लेके बैठना सब लोग, रिमेनिंग आइडेंटिटीज चालू कर रहे हैं। यस ऑल ऑफ यू, चलो। चलो आइडेंटिटीज पार्ट टू वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। 1 to 4th आइडेंटिटी सबको याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी तुम्हारे 10th में भी काम आएगी, तो सब कुछ याद रखना ये, ठीक है? चलो आइडेंटिटीज, 5th नंबर आइडेंटिटी मैं करवा रहा हूं तुमको। 1 2 3 4 अपन ने किया था, आज अपने 5th नंबर आइडेंटिटी सॉल्व करने वाले हैं। आइडेंटिटी नंबर 5th, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अभी तक क्या थे तुमको पता होगा, दो दो नंबर आ रहे थे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या आया? अब 3 नंबर पे होल स्क्वायर आया। कितने नंबर पे होल स्क्वायर आया? 3 नंबर पे होल स्क्वायर आया है। मैं अपनी स्टाइल से कराऊंगा, फिर टेक्स्ट बुक वाली स्टाइल भी देख लेंगे, ठीक है? ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। ये है 3 की आइडेंटिटी। अब इसमें करना क्या है, पुट कर दो वैल्यूज। कौन सी? तीनों लाइन वाइज। चलो x y z, इधर 2 का मल्टीप्लिकेशन x और y, इधर बाकी 2 का y और z, इधर फर्स्ट और थर्ड का z और x। दिस इज आवर आइडेंटिटी। याद हो गई सबको? ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। यस ऑल ऑफ यू। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर लिखना हो तो मैं लिख लेता हूं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है इसका सिंप्लीफाई फॉर्म। यस, टेक्स्ट बुक में यही दिया हो। और ध्यान रखना, सिर्फ प्लस के लिए आइडेंटिटी है, माइनस के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं। अरे तो तुम सोच रहे होंगे माइनस के लिए क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो माइनस आ सकता है। डोंट वरी, मैं हूं ना। माइनस के लिए ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ करवाता हूं तुमको सीधा माइनस। एग्जाम्पल मैंने ले लिया a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। एक छोटा सा एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल लिया है। आइडेंटिटी क्या थी? चलो पहले तो आइडेंटिटी पहचाननी है। 3 नंबर पे होल स्क्वायर है, मतलब वो आइडेंटिटी लगने वाली है। अब आइडेंटिटी क्या थी? ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। आई चीज समझ में सबको? आई चीज समझ में? नॉर्मल आइडेंटिटी मैंने लगाया अभी तक। चलो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे a, यहाँ पे o, ध्यान रखना माइनस 2b, यहाँ पे c, a माइनस 2b माइनस 2b c और c और a। क्या नया हुआ? जो भी चीज नेगेटिव साइन के साथ थी उसको हमने एज इट इज पुट, उसको हमने एज इट इज पुट किया, उसकी कोई आइडेंटिटी अलग से होती नहीं है। आई बात समझ में सबको? इतना क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो सॉल्व करते इसको। ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का स्क्वायर कितना होता है? प्लस होता है। ये चीज का खास करके ध्यान रखना। तुम लोग यहाँ पे माइनस 4b स्क्वायर लिख सकते हो, पर वो गलत हो जाएगा, वो चीज का सिली मिस्टेक का ध्यान रखना। प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो इधर वापस ध्यान, प्लस माइनस माइनस, तो ये होगा माइनस 4ab। सेम यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 4bc, प्लस और प्लस ही है तो 2ca। दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज माई फाइनल आंसर। इजी लगा ना सबको? माइनस हो प्लस हो आइडेंटिटी एक ही है, वो है 5th नंबर आइडेंटिटी। अगर 3 नंबर का होल स्क्वायर आता है तो हम 5th नंबर आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते हैं। यस ऑल ऑफ यू, क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी पर जाते हैं, अपने 6th नंबर आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे जाते हैं, 6th नंबर आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। देखा फर्क? दिखा सबको? अभी तक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी चल रही थी, अब लास्ट की 3 जो आइडेंटिटी है वो क्यूब वाली आइडेंटिटी है। कौन सी वाली आइडेंटिटी है? क्यूब वाली आइडेंटिटी है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। चलो मैं तो वही अपना ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट क्यूब प्लस ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट और एक बड़ा सारा ब्रैकेट। आई बात समझ में? चलो यहां पे हो जाएगा एक्स वाई एक्स वाई एक्स प्लस वाई। ये पहली आइडेंटिटी जो बुक में दी हुई है, बुक में इसकी दो आइडेंटिटी दी हुई, बुक में इसकी दो आइडेंटिटी दी हुई है अपने 9th वाले टेक्स्ट बुक में।
पहली आइडेंटिटी तो समझ पड़ गई सबको, अब दूसरी कुछ नहीं, नॉर्मल नेक्स्ट है, मल्टीप्लाई करना आता है, चलो करते हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा वाई क्यूब, ये हो जाएगा 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। आई बात समझ में? आई बात समझ में सबको? चलो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x2y प्लस 3xy2। आई बात समझ में? मल्टीप्लाई किया है मैंने, तुमको बुक में ये आइडेंटिटी भी दी हुई है, ये भी दी हुई है, तुम जो चाहे वो याद कर सकते हो, पर मेरा मानना है ये याद करो ना, ये तो अपने आप आ जाएगी, ये याद करो ये तो अपने आप आ जाएगी। मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ, क्या मल्टीप्लाई किया देखो एक बार वापस, 3xy को पहले x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3x2y, 3xy को y से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3xy2। आई बात समझ में? आई बात समझ में सबको? चलो इसकी नेगेटिव वाली भी होगी आइडेंटिटी, लेट सी नेगेटिव वाली आइडेंटिटी। सेवंथ नंबर आइडेंटिटी देखने जा रहे हैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। चलो वापस देखते हैं, ब्रैकेट क्यूब माइनस ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट और बड़ा वाला ब्रैकेट। ये याद कर लो, मैं बोल रहा हूँ सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ ब्रैकेट के टर्म्स में याद करने लग जाओ, फिर वैल्यू तो पुट करना हमको आता है। देखो इधर x, इधर y, इधर x, इधर y, इधर x माइनस y। आई बात समझ में सबको? क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा वाई क्यूब माइनस, देखो अभी तक मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं तो नेक्स्ट स्टेप में ही सॉल्व करूंगा इसको, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया है मैंने, मैं नेक्स्ट स्टेप में ही मल्टीप्लाई करने वाला हूं। यस ऑल ऑफ यू, इतनी बात समझ में आई सबको? चलो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x2y प्लस 3xy2। ध्यान रखना बच्चे लोग, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आइडेंटिटी में ये थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा, ऊपर सब माइनस थे पर जब ब्रैकेट ओपन होंगे तो प्लस होगा। ये दो आइडेंटिटी जो हमारे बुक में दी हुई है, हम तो इसको याद करेंगे, ये वाले तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। यस ऑल ऑफ यू, यो यो। चलो एक लास्ट आइडेंटिटी और पढ़ लेते हैं, एट वाले, फिर चारों के सम्स करेंगे थोड़े बहुत, फिर चारों के सम्स करेंगे थोड़े बहुत। यस चलो, एट आइडेंटिटी थोड़ी बड़ी आइडेंटिटी है, थोड़ी गंदी आइडेंटिटी है, इसलिए थोड़ा काम भी कम आती है, तो भी पढ़ना तो पड़ेगा अपने को। चलो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इतना सब कुछ दे दिया इन लोगों ने, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक साइड दिया अभी तो, इक्वल्स टू क्या होती है इसकी आइडेंटिटी वो याद करना और है अभी तो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। छोड़ो नहीं याद करनी, क्या बोलते हो? अरे नहीं नहीं हो जाएगी, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। समझ पड़ा क्या आइडेंटिटी है? देखो ये आइडेंटिटी लेकिन पहचानने में कितनी ईजी होगी, इतना बड़ा कुछ आया क्वेश्चन, समझ जाओ कौन सी आइडेंटिटी है, एट्थ वाली आइडेंटिटी है। यस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यस ऑल ऑफ यू, आया सबको समझ में? चलो इस आइडेंटिटी का एग्जाम्पल कराता हूँ, पहले इस आइडेंटिटी का ही करवाता हूँ तो तुमको याद होगा कैसे सॉल्व करना है। 8x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 6xyz। तुमको बोलेंगे सॉल्व, तुमको क्या बोलेंगे? सॉल्व इट आउट। कैसे सॉल्व करोगे अब तुम लोग? अरे यार है तो आइडेंटिटी एट वाली, चलो एक्स वाई जेड निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट क्यूब प्लस ब्रैकेट क्यूब प्लस ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। आई बात समझ में? देखो इधर क्यूब लिखना है मुझे, कि ये नंबर किनके क्यूब थे वो मुझे ब्रैकेट में लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे, जैसे 8x³, 8 किसका क्यूब हुआ? 2 का, तो इधर आएगा 2x, क्या आएगा इधर 2x। y किसका हुआ? y का। z³ किसका हुआ? z का। इधर आ जाएगा 2x, इधर आ जाएगा y, इधर आ जाएगा z। आई बात समझ में? देखो क्वेश्चन पूरा वही बना है, खाली मैंने ब्रैकेट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। जैसे इसका क्यूब करोगे तो 8x³, इसका क्यूब y³, इसका z³, इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन ये रहा, इन सब की चीजें वही है, पर मैंने खाली क्या चीज का ध्यान रखा है, ब्रैकेट में कन्वर्ट किया है। अब देखो मेरी आइडेंटिटी क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या है x? 2x,
y क्या है y, z क्या है z, क्या ये समझ पड़ा? तीनों को प्लस में फिर स्क्वायर उनका, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई आपस में, तो माइनस 2xy माइनस yz माइनस 2xz। आई बात समझ में सबको? इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा, अच्छा था थोड़ा सा। क्या करना है हमको, इसको क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, जो किसका क्यूब है वो हमको ब्रैकेट में लिखना होगा, उसके बाद नॉर्मल आइडेंटिटी लगानी होगी। आई बात समझ में सबको? देखो ये हमने आइडेंटिटी वही लगाई, इधर लिखा था x प्लस y प्लस z, तो मेरा x था 2x, मेरा y y z z, ठीक है, फिर स्क्वायर किया, फिर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई। आई बात समझ में सबको? ऑल ऑफ यू क्लियर? इतना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो, आते कम सम है पर एक दो सम भी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो अब सिक्स सेवन्थ के एग्जाम्पल्स करते हैं थोड़े। सिक्स सेवन्थ के एग्जाम्पल्स मैंने करवाए नहीं थे, फर्स्ट का करवा दिया, लास्ट का करवा दिया, बीच वाले के भी तो करने पड़ेंगे अपने को एग्जाम्पल्स। चलो इजी इजी सम दूंगा मैं तो, 2x प्लस y का होल क्यूब, 2x प्लस y का होल क्यूब आता है, यस सर। क्या था आइडेंटिटी? ब्रैकेट क्यूब प्लस थ्री ब्रैकेट ब्रैकेट इंटू बड़ा वाला ब्रैकेट, 2x यस y यस 2x y 2x प्लस y, क्या बोलते हो? आई बात समझ में? यस 2x का क्यूब 8x क्यूब है ना, ये ध्यान रखना, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो 8x क्यूब, y का क्यूब y क्यूब प्लस 3 टू 6 एक्स वाई। देखो ब्रैकेट अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, एक स्टेप और चलेगा पर ब्रैकेट लास्ट में ही सॉल्व करना है, सबको बोल रहा हूँ, सिली मिस्टेक हो उससे अच्छी चीज है, सिली मिस्टेक हो उससे अच्छी चीज है, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस ऑल ऑफ यू, चलो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस, अब देखो मल्टीप्लाई करना है, 6 टू जा 12x स्क्वायर y, 6xy स्क्वायर। आई बात समझ में? क्लियर ऑल ऑफ यू? आया आया आया। एक और एग्जांपल, एक और आइडेंटिटी का करवा देता हूं सेवन वाले का, फिर थोड़े टफ सम्स दूंगा, फिर थोड़े टफ सम्स दूंगा। चलो अरे अभी तक तो x माइनस वाई वो सब था, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x पहले दो या y पहले दो या कुछ भी दो, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब तो आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी? ब्रैकेट क्यूब माइनस ब्रैकेट क्यूब माइनस थ्री ब्रैकेट ब्रैकेट और बड़ा वाला ब्रैकेट। आई बात समझ में? चलो यहाँ पे y, यहाँ पे 2x, यहाँ पे y, यहाँ पे 2x, यहाँ पे y माइनस 2x, नॉर्मल जैसे ही सॉल्व करना है, हमको कोई मतलब नहीं, y पहले x पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी जो आइडेंटिटी हम तो वही लगाएंगे। यस yes? चलो y का क्यूब y क्यूब, इसका कितना हो जाएगा 8x क्यूब, ये ध्यान रखना, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 6 y x ब्रैकेट में y माइनस 2x, कोई चेंज नहीं किया मैंने, सेम आइडेंटिटी जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाते हैं। वापस ये कॉपी कर लूंगा एज इट इज, y क्यूब माइनस 8x क्यूब माइनस, ध्यान रखना 6 इंटू 1 ही है, तो 6 y स्क्वायर x माइनस माइनस, ओ ये चीज का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्या बोलते हो? आई बात समझ में? आइडेंटिटी क्लियर सबको चारों की चारों? एक एक एग्जाम्पल मैंने चारों के करवा दिए हैं, अब एक पांच एग्जाम्पल और कर लेते हैं, अपनी चारों की चारों आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी, गिनती के पांच एग्जाम्पल ही करेंगे, डोंट वरी। आया सबको समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? कोई नहीं है, आगे बढ़े, पक्का पक्का। चलो फाइव एग्जाम्पल्स, ठीक है फटाफट करना है सब। चलो सबसे पहला एग्जाम्पल, कौन सी आइडेंटिटी, जल्दी जल्दी बोलो कौन सी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फिफ्थ क्या थी? चलो लगाते, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस टू ब्रैकेट ब्रैकेट। आइडेंटिटी समझ पड़ी सबको, फिफ्थ आइडेंटिटी थी। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 2a माइनस 3b, ध्यान रखना माइनस के साथ लिखना है, माइनस c 2a माइनस 3b माइनस 3b माइनस c माइनस c 2a, हर चीज में ध्यान रखना माइनस के साथ लगाना, क्या लगाना है माइनस के साथ लगाना है। यस ऑल ऑफ यू, चलो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर 3b का स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, याद रह गया सबको आपकी बार, और c का प्लस c स्क्वायर, हमेशा पॉजिटिव होते हैं,
यस चलो यहां पे प्लस माइनस माइनस, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो ट्वेल्व ए बी प्लस माइनस माइनस प्लस तो हो गया अपने आप ही, तो थ्री टू जा सिक्स बी सी प्लस माइनस माइनस फोर सी ए, दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज माई फाइनल आंसर, गेट इट ऑल ऑफ यू, आया सबको समझ में, क्लियर ऑल ऑफ यू, कोई परेशानी कोई मन में आशंका है तो पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल थोड़ा तो टफ बनेगा ना, ये देखो अच्छा था दो बार माइनस दिए थे, चलो एक और नई चीज इसमें, ओ माय गॉड ज्यादा टफ दे दिया क्या, नहीं 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 इजी है, आइडेंटिटी याद है, याद है लगा लो, चलो ब्रैकेट क्यूब प्लस ब्रैकेट क्यूब प्लस थ्री ब्रैकेट ब्रैकेट और बड़ा वाला ब्रैकेट, यस ऑल ऑफ यू, क्लियर ऑल ऑफ यू, चलो वैल्यू पुट करते हैं, एक्स अपॉन टू वाई अपॉन थ्री, एक्स अपॉन टू वाई अपॉन थ्री, एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन थ्री, आई बात समझ में, चलो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन एट, ध्यान रखना टू का क्यूब कितना होता है एट, प्लस वाई क्यूब थ्री का क्यूब नाइन मत लिख देना कोई भी भूल चूक, प्लस ओ ये देखो कट रहा है तो काट देंगे, हमको तो सिखाया था इतना, एक्स वाई अपॉन टू ब्रैकेट, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने वाले हैं, आई बात समझ में, इतनी इतनी बात समझ में आई सबको, पक्का पक्का, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये एज इट इज एक्स क्यूब अपॉन एट, ये भी एज इट इज वाई क्यूब अपॉन 27, अब ध्यान रखना वापस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई, नीचे टू इंटू टू हो जाएगा फोर, यस चलो प्लस एक्स एज इट इज वाई स्क्वायर टू इंटू थ्री हो जाएगा सिक्स, यस आई बात समझ में सबको, सेकेंड एग्जाम्पल अच्छा था, पहले वाले से अच्छा था, लेवल बढ़ रहा है अपना, खुश होते जाओ, खुद को थपथपी देते जाओ कि तुमको आने लग गई है आइडेंटिटीज अब, यस चलो लास्ट थ्री सम्स करने वाले हैं अपने, लास्ट थ्री सम्स, यस ऑल ऑफ यू, चलो थर्ड नंबर, थर्ड नंबर कौन सी आइडेंटिटी बाकी है, अभी तो सब बाकी है, चलो फिर दे देते हैं एक और, देखो टफ बनाना है तो अपॉन में होना चाहिए, अपॉन होगा रैशनलाइज होगा रूट्स होंगे ये सब चीजें तुमको टफ लगती है, अपॉन में दे दिया क्या दिक्कत है ना, चलो आइडेंटिटी ब्रैकेट क्यूब माइनस ब्रैकेट क्यूब माइनस थ्री ब्रैकेट ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट, यस ऑल ऑफ यू, चलो यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई अपॉन थ्री यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई अपॉन थ्री यहाँ पे एक्स माइनस वाई अपॉन थ्री, वही आइडेंटिटीज वैसी ही मेथड है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन 27, क्यूब करते समय ध्यान रखना सब लोग, ओ वाओ थ्री थ्री गया तो माइनस एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बाय थ्री, थ्री थ्री कैसे कट हुआ समझ पड़ा सबको, डिवाइड और मल्टीप्लाई में है तो कटना तो है ही, चलो ये सेम एज इट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन 27 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा प्लस ध्यान रखना एक्स वाई स्क्वायर अपॉन थ्री, आया सबको समझ में, कोई परेशानी किसी को, क्लियर ऑल ऑफ यू, पक्का पक्का, कॉपी करते जाना साथ में, कॉपी करते रहना साथ में सब लोग, नोट आउट करते रहो सॉल्व करते रहो मेरे साथ, ऐसा हो तो पॉज करके खुद सॉल्व करो फिर आंसर चेक करो कि यस सर हमारा सही है, सर का तो सही होगा ही होगा, यस ऑल ऑफ यू, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हुए, चलो फोर्थ एग्जाम्पल कर रहे हैं अपने लोग, कौन सी आइडेंटिटी का लास्ट वाली का करवा दू एक कि उसका लास्ट करा, चलो एक इसका ही करा दो, माइनस वाला मुझे लगता है कि बच्चों को दिक्कत देता है, चलो एक उसका ही करते करो, हाँ कुछ है ही नहीं इतना सा सम सर, पक्का सही है, चलो सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट क्यूब माइनस थ्री ब्रैकेट ब्रैकेट और होल ब्रैकेट, हम तो वही आइडेंटिटी वैसा ही देसी मेथड करने वाले, चाहे सम कुछ भी दिया हो, चलो ये टू ए ये थ्री ये टू ए ये थ्री ये टू ए माइनस थ्री, टू ए का क्यूब एट ए क्यूब, यस थ्री का क्यूब नाइन नहीं 27, थ्री थ्री सा नाइन इंटू टू तो 18 ए 18 ए ब्रैकेट में टू ए माइनस थ्री 2a माइनस थ्री, समझ पड़ा सबको, चलो ये एज इट इज 8a क्यूब माइनस 27 एज इट इज 18 टू जा
36A प्लस 18 थ्रीजा कितना होता है, आता है ना सब कुछ, चलो 54, ये ए स्क्वायर होगा, ये ए होगा, दिस इज माय फाइनल आंसर। यस ऑल ऑफ यू, ए इंटू ए स्क्वायर होगा ना, और 18 थ्रीजा जो होगा वो मैंने लिख दिया। यस यस, आया सबको समझ में? लास्ट सम करवा रहा हूं, लास्ट आइडेंटिटी का करवा रहा हूं, सो ऑल द बेस्ट फॉर द लास्ट आइडेंटिटी एंड द लास्ट सम। कौन सी आइडेंटिटी थी लास्ट? अब अरे मुझे तो याद रहेगा ना, कैसे कर रहे हो तुम, एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब माइनस प्लस प्लस 64। अब ये सब क्या दे दिया सर आपने, जेड तो है ही नहीं, इसमें क्या हुआ, चलो 36xy सही है, क्वेश्चन है अभी, तो तुमको कैसे पता सही है गलत है, नॉट टंकी। चलो सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले ब्रैकेट क्यूब बनाएंगे, ब्रैकेट क्यूब प्लस ब्रैकेट क्यूब प्लस ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है, एक्स क्यूब एक्स का 27 का 3y 64, ये ध्यान रखना 4 का होता है, कोई वेरिएबल नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 4 लिख देंगे हम लोग, हमको थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे x, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 4। यस ऑल ऑफ यू, देखो सब सही बन रहा है, एक्स क्यूब 27 वाई क्यूब 64, 3 3 9 9 4 36 xy, यस सब सही है। अब आइडेंटिटी देखते हैं, क्या थी आइडेंटिटी, x प्लस वाई प्लस जेड, तो x मेरा x ही है, y मेरा 3y है, z मेरा 4 है ना, फिर x square, y square, तो 9y square, z square, ध्यान रखना सबका स्क्वायर किया है तीनों नंबर का, माइनस दोनों का मल्टीप्लाई तो 3xy, माइनस दोनों का मल्टीप्लाई तो 12y, माइनस दोनों का मल्टीप्लाई तो 4x। आई बात समझ में सबको, सारी आइडेंटिटी क्लियर ऑल ऑफ यू, पक्का पक्का। अब तुम लोग इजीली टेक्स्टबुक के एग्जांपल जो 16 से लेकर 25 एग्जांपल्स है वो ट्राई करो सबके सब, सॉल्व इट आउट। नेक्स्ट क्लास में मैं एक और इसी टॉपिक पे, आइडेंटिटीज के टॉपिक पे एक और वीडियो बनने वाला है, वो है धमाकेदार। क्यों धमाकेदार होगा, क्योंकि उसमें सब कुछ मिक्सअप आएगा, रिवर्स वर्किंग, सीधा चलना, उल्टा चलना, नंबर्स को कैसे सॉल्व करना है, डेसिमल्स नंबर को कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ तुमको करना आना चाहिए। कम से कम अपने 20 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उस टाइम, कम से कम कितने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, 20 एग्जाम्पल्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो ऑल ऑफ यू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। उससे पहले 8 की 8 आइडेंटिटी याद होनी चाहिए सबको, ये ध्यान रखना, आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो नेक्स्ट वीडियो सारा बाउंसर जाएगा, सारा का सारा बाउंसर जाने वाला है। यस ऑल ऑफ यू, कोई परेशानी, क्लियर ऑल ऑफ यू, आया सबको समझ में इतना, पक्का पक्का लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना चैनल्स को, ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताना, अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, और मैथ्स तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, ये मेरा एक मंत्र है कि जितनी मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो करते रहना करते रहना करते रहना। यस ऑल ऑफ यू, चलो बाय बाय, आज के लिए इतना काफी है, अलविदा, अगली वीडियो में वापस मिलते हैं।